Good afternoon friends, today we are going to discuss regarding EPS. दोस्तों EPS अभी के समय में एक बहुत ही चर्चित मुद्दा बना हुआ है। कारण इससे इसका यह है कि इसमें जो कुछ बदलाव आया है उस बदलाव की वजह से लाखों एम्प्लॉई, कई लोग जो अपने नौकरी से रिटायर्ड हो चुके हैं, वो सभी लोग इससे कहीं ना कहीं उनका उनपे इस चीज का फर्क पड़ रहा है और इस वजह से सभी लोग इस चीज को ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में समझने की कोशिश करना कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों हम ईपीएस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ईपीएस के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे इस ईपीएस को हम 3-4 पार्ट में अपना वीडियो अपलोड कर रहे हैं और मैंने ये कोशिश किया है कि इसे आसान से आसान भाषा में सभी लोगों द्वारा समझा जा सके और इसकी पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे हम लोग जो चर्चा करेंगे वो आप सभी लोगों के लिए समझने लायक होगा और सभी लोग इसका काम इससे कुछ आसान हो सकता है। तो आइए दोस्तों, तो फिर हम इसके बारे में विस्तार में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ईपीएस है क्या। दोस्तों ईपीएस यानी कि एम्प्लॉई पेंशन स्कीम, ये एम्प्लॉई पेंशन स्कीम 1995। दोस्तों मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये सिर्फ नौकरी करने वाले लोगों के लिए ही, या जो रिटायर्ड हो चुके हैं, या कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो ईपीएफओ के मेंबर हैं या रहे हैं उन्हीं के लिए नहीं, बल्कि यह टॉपिक आज के समय में चाहे एचआर कंसल्टेंट हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन में एचआर का डिपार्टमेंट जो संभाल रहे हो, या कोई लीगल कंसल्टेंट हो या जो एचआर कंसल्टेंट, उन सभी के लिए यह मुद्दा समझना बहुत ही जरूरी है ताकि वो अपने क्लाइंट्स को या अपने ऑफिस में अपने एम्प्लॉइज को इसके बारे में समझा सके और लोग इसके बारे में एक सही डिसीजन, सही निर्णय ले सके। तो आइए दोस्तों हम इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहली बात यह चीज है कि ईपीएस को समझने के लिए हमें क्या क्या चीजें समझनी जरूरी है। तो सबसे पहली जरूरत जो हमें है वो है इससे संबंधित लीगल प्रोविजंस, यानी कि कानूनी प्रावधान इसके बारे में जो दिया गया हुआ है वो चीज भी हमें समझना जरूरी है। इसके बाद हम देखेंगे कैलकुलेशन मींस कि इससे मिलने वाला जो पैसा है, यदि हम जो बदलाव के हिसाब से ऑप्ट करते हैं, देन वेदर दैट शैल बी बेनिफिशियल फॉर अस और दैट शैल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर अस, सो फॉर दैट पर्पस वी नीड टू अंडरस्टैंड थ्रू द कैलकुलेशन, एंड लास्टली वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय द हाइपोथेटिकल केस स्टडी एंड वन ऑफ द केस बाय विच this amendment has come into existence. We will understand one by one, and as I have already told that we have uploaded, we are going to upload about in 3 or 4 parts. So friends, now let's start. Dosto, दोस्तों ईपीएस 95 इस ये आया कहां से है और इसकी क्या कोई कानूनी मान्यता है या नहीं है उसके बारे में पहले समझते हैं। फ्रेंड्स वी ऑल नो दैट देयर इज एन एक्ट दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 व्हिच डील्स रिगार्डिंग द प्रोविडेंट फंड एंड अदर मैटर्स। इन दैट अदर मैटर इट इज दिस एम्प्लॉई पेंशन स्कीम इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो ये एम्प्लॉई पेंशन स्कीम जो है हमारा, ये है क्या? तो पहले इसके बारे में ये क्या था, ये क्या होगा और ये क्या हो रहा है, इसकी वजह से इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले को मैं बात करूं यदि कि क्या हो रहा है, तो एम्प्लॉई पेंशन स्कीम 95 में होने वाले बदलाव की वजह से दुविधाएं ज्यादा हो रही है और समझने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा फिलहाल अभी वर्तमान में प्रेजेंटली अभी कुछ और नहीं हो रहा है।
बात है कि यह पहले क्या था, इसका जो बर्थ कह सकते हैं या इसका एग्जिस्टेंस कह सकते हैं वो कैसे हुआ है। तो दोस्तों पहले इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड जो है इसमें अर्लियर पेंशन स्कीम हमेशा से था, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो लोग इस फील्ड से हैं, यानी कि जो लोग एचआर कंसल्टेंट होंगे या एचआर ऑफिसर होंगे या जो लोग नौकरी कर रहे होंगे, दे ऑल नो दैट हमारे जो हम जहां भी नौकरी करते हैं जहां पे और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहां पे ईपीएफ एक्ट अप्लीकेबल होता है, यानी कि जो एम्प्लॉई ईपीएफओ के मेंबर हैं उनके एम्प्लॉयर और कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो जो कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन हमारी सैलरी से भी लिया जाता है और उस कॉन्ट्रीब्यूशन में से कुछ हिस्सा हमारे पेंशन में जाता है, जो कि हमारे रिटायरमेंट के समय यानी कि आफ्टर 58 इयर्स ऑफ द एज जो है हमें वो पैसा मिलना शुरू होता है। तो दोस्तों हम ये देख रहे हैं कि इसका लीगल प्रोविजन क्या है। लीगल प्रोविजन की यदि हम बात करें तो एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के सेक्शन 6A में ईपीएस के बारे में कहा गया हुआ है। इसमें बेसिकली इस एक्ट में तीन स्कीम की बात की गई है, जिसमें से एक स्कीम जो अंडर सेक्शन 6A ऑफ ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952 में एम्प्लॉई पेंशन स्कीम की बात की गई है। एम्प्लॉई पेंशन स्कीम के यदि हम ये के बारे में यदि हम फर्दर देखें तो देखेंगे कि अभी जो ये आया हुआ है क्या ये आज ही है ईपीएस 95। तो सबसे पहले बात तो हम ये समझें कि इसका नाम ईपीएस तो समझ गए कि पेंशन स्कीम से 95 ही क्यों पड़ा। तो दोस्तों ये जो है एम्प्लॉई पेंशन स्कीम 95, इससे पहले ईपीएफ एक्ट में ही फैमिली पेंशन स्कीम 1976 हुआ करता था, जिसे कि 1995 में रिप्लेस किया गया और उस रिप्लेसमेंट के बाद इसका नाम ईपीएस 1995 है। इस वजह से हम आगे भी देखेंगे कि जो कैलकुलेशन करना है वो 95 की के बाद का ही सर्विस पीरियड लिया जाएगा, ना कि उससे पहले का सर्विस पीरियड लेना है। तो यहां पे हम आगे देखते हैं क्या कि अभी जो चेंजेस आए हैं उसके रिगार्डिंग एक डिसीजन अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का 16 नवंबर 2022 को एक डिसीजन आया था और उस डिसीजन के बाद ही ये सारी चीजें चर्चा में आई है। तो चर्चा ये डिसीजन क्या था और क्या इसके प्रोविजंस हैं, इसके बारे में हम एक के समझते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये चीज है कि जो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इस स्कीम के तहत, इस एक्ट के तहत क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो चीज हम समझते हैं। तो आप एक चीज देखते हैं कि मैं यदि इसको बताऊं तो जो ईपीएफ एक्ट है, ईपीएफ एक्ट में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन जो रहता है 10% एंड 12% फॉर ईपीएफ एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड होता है। ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और ये एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन आता है। अब आप ये चीज देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये ईपीएफ एक्ट में लिखा हुआ है कि जो भी ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन होगा वो विद इन 15 डेज एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो 12% एम्प्लॉई की सैलरी से और 12% अपनी तरफ से एम्प्लॉई के ईपीएफ में जमा करेंगे। लेकिन क्या ये 12% एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉई का जो है वो टोटल ईपीएफ में जमा होता है? तो इसका आंसर है नहीं। तो कैसे जमा होता है इसके लिए सबसे पहले क्या चीज होता है कि ये जो 12% है इंप्लॉई कंट्रीब्यूशन, इसे फिर से हम दो पार्ट में बांटते हैं। ये है 8.33% और दूसरा है 3.67%। ये 8.33% जो है वो कहां जाएगा, उसे जाना है पेंशन स्कीम में, पेंशन स्कीम में, और ये कहां जाएगा पीएफ में। तो क्या सपोज करें किसी की सैलरी 10,000 है तो 10,000 का
8.33% यानी 833 रुपीज उसके पेंशन फंड में डिपॉजिट किया जाता है। तो इसका आंसर अगेन है नो। क्या होता है, ये अमाउंट उसके पेंशन फंड में टोटल नहीं जाता है। तो नहीं जाता है तो कहां जाता है, तो फ्रेंड्स यहां पे कुछ सीलिंग्स दिए हुए थे अब तक, उस सीलिंग के हिसाब से उस अमाउंट तक जाता था पेंशन स्कीम में, और रिमेनिंग अमाउंट जो है दैट वाज बीइंग डिपॉजिटेड इनटू द पीएफ अमाउंट, पीएफ स्कीम। तो इस तरह से ये 8.33% नहीं जाता था। अब इसमें ये चीज है कि ये सारी जिम्मेदारी, पैसा काटना इंप्लॉई के सैलरी से, उस पैसे को जमा करना, कितने दिन के अंदर में जमा करना है यानी 15 डेज के अंदर में जमा करना है, कितना परसेंट जमा करना है, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की हुआ करती थी और है भी। इसके बाद जाके इसके पीछे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वो एम्प्लॉयर को ही बियर करना था। अब यहां पे हम बात करें कि हमने ये चीज देखा कि 12% ऑफ सैलरी, तो सैलरी क्या चीज होती है, सैलरी क्या आपका टोटल सैलरी, क्या आपकी सैलरी के बारे में हम लोग जानते हैं कि यहां पे हम लोग बात करते हैं सीटीसी की भी बात करते हैं, ग्रॉस सैलरी की भी बात करते हैं या बेसिक सैलरी की बात करते हैं। तो सबसे पहले सैलरी का डेफिनेशन समझना जरूरी है क्योंकि आगे कैलकुलेशन उसी से समझा जा सकता है। तो सैलरी मीन्स वॉट, तो जो सैलरी का डेफिनेशन पीएफ के लिए दिया गया है वही डेफिनेशन है। वो क्या है, सैलरी इंक्लूड्स बेसिक, डीए, फूड कंसेशन, रिटेनिंग अलाउंसेस। ये चार चीजों को मिलाकर होता है जिसमें से मोस्ट ऑफ द केसेस में ये दो नहीं होते हैं और ये तो रेयरेस्ट से रेयर में होता है। हाँ, ये दोनों जो है ये हर केस में होता ही है कि बेसिक सैलरी हो का कंपोनेंट और डीए, ये सभी के सैलरी में ये कंपोनेंट आता है। कुछ लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में फूड कंसेशन यानी कि मील वाउचर वगैरह जो है सो दे दिए जाते हैं, और साइट कभी कभी किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी जरूरत पड़ती है तो ये रिक्वायर दिया जाता है। बेसिक आप सभी लोग समझते हैं आपकी सैलरी का कंपोनेंट होता है। डीआरएनएस अलाउंस आप लोग समझते हैं कि डीआरएनएस अलाउंस क्या चीज है, ये टाइम टू टाइम बढ़ता है। और फूड कंसेशन जो है, फूड कंसेशन का मतलब क्या चीज है कि जब भी कोई इंप्लॉई को उसका इंप्लॉयर मील वाउचर वगैरह देता है यानी सब्सिडाइज रेट पे कैंटीन में फूड वगैरह के जो जो अरेंजमेंट करता है तो वो फूड कंसेशन का अमाउंट कहलाता है जो सब्सिडाइज रेट, तो उसे भी हम इसमें लेते हैं। और रिटेनिंग अलाउंस रेयरली जरूरत पड़ती है यानी कि जब कभी ऑर्गेनाइजेशन में ले ऑफ हुआ हो, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं है और अपने इंप्लॉई को रोकने के लिए उन्हें जो है जो अलाउंस दिया जाता है उसे कहा जाता है रिटेनिंग अलाउंस। तो यूजुअली ये सब तो ये तो नहीं ही होते हैं, ये भी कहीं कहीं होता है लेकिन ये दोनों हमेशा होते हैं। तो हमें बेसिकली इन दोनों को कंसीडर करके चलना है क्योंकि ये हर जगह की सैलरी का ये एक कंपोनेंट होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं क्या कि बेसिक और डीए, यहां पे इन दोनों को सैलरी के पार्ट के लिए लिया जाता है, इसलिए यदि चारों है तो चारों, अदरवाइज ये दोनों तो सैलरी का पार्ट माना जाता है। और इसी के 12% या 8.33% जो भी हमने अभी डिस्कशन किया वो इसी का लिया जाता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये चीज है कि ये तो जनरल, ये जो प्रोविजंस मैं डिस्कशन कर रहा हूं ये पहले भी था, 95 से स्टार्ट था और ये आज के डेट में भी है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ये सारी चीजें पहले भी था और ये अभी भी है। बदलाव क्या आया है अब हम उसकी चर्चा करते हैं। बदलाव यहां पर यह चीज आया है कि 1995 में क्या था कि सैलरी की जो बात की गई थी, सैलरी तो ठीक है लेकिन जो पेंशन फंड में पैसे जो जमा होने थे उसके लिए जो सैलरी था उस सैलरी की सीलिंग कर दी गई थी, उस सैलरी को की सीलिंग हो गई थी जो आप सभी लोग जानते हैं दैट वाज ₹6,500 यानी कि इस 6,500 का
8.33% यहां पे पेंशन फंड में जमा होता था। इसे और थोड़ा सा आसानी से हम समझ लेते हैं। सपोज आज के डेट में या 95 की ही बात करें, 1995 की ही हम बात यदि करते हैं तो यहां पे क्या चीज था, 1995 में सपोज किसी की सैलरी, जो भी हमने सैलरी का कंपोनेंट लिया है उस कंपोनेंट को हम कंसीडर करते हैं और वो मानते हैं कि वो कंपोनेंट को कंसीडर करते हुए किसी की सैलरी 10,000 बन रही थी, 10,000 किसी की सैलरी थी, तो यहां पे हमें 10,000 का 8.33% नहीं लेना था। हमें क्या करना था, पीएफ के पर्पस के लिए तो 12% हमें काटना ही था, लेकिन अब इस 12% का 8.33% और 3.67% नहीं लेना था, हमें क्या लेना था, 6,500 का 8.33%, यानी कि 10,000 का जो 8.33% आप लोगे तो 833 होगा, जबकि ये यहां पे 6,500 का यदि हम लेते हैं तो ये जो है यहां पे आपका काफी कम अमाउंट हो जाता है, तो इसे हम देख लेंगे। और ये 8.3 रिमेनिंग जो 3,500 का 8.33% था वो पैसा भी पीएफ में ही डिपॉजिट होगा, और यानी कि जो 8.33% था वो 10,000 का ना लेकर के हमें 6,500 का लेना था। तो पहले सीलिंग बनी हुई थी कि किसी का भी जो पेंशन होगा, पेंशन फंड में जो पैसा जाएगा उसके लिए जो हम सैलरी कंसीडर करेंगे, दैट सैलरी नॉट मोर देन 6,500, दैट वाज द सीलिंग। इफ समबडीज सैलरी वाज लेस देन 6,500, इन दैट केस 8.33% ऑफ दैट अमाउंट शैल बी कंसीडर्ड फॉर द डिपोजिशन ऑफ द अमाउंट इन पेंशन स्कीम। फर्दर ये चीज क्या हुआ कि ये यहां पे हमने देखा क्या कि ये 6,500 था, 6,500 और लेटर जाकर के फिर 2014 में एक अमेंडमेंट आया, और वो अमेंडमेंट यहां पे क्या हुआ, 6,500 की सीलिंग को बढ़ा करके 15,000 कर दिया गया। सिचुएशन सेम था कि आपको अब 6,500 नहीं लेना है, अब आपको क्या लेना है, अब आप इसे जो है सो बढ़ा करके 15,000 का सैलरी कंसीडर करना है और उसका 8.33% उसमें डिपॉजिट करना है। रिमेनिंग पैसा जो भी कुछ होगा, किसी की सैलरी यदि 50,000 है 15 की जगह पे, तो रिमेनिंग 35,000 का जो 8.33% होगा वो पीएफ में डिपॉजिट होगा। तो ये सारा जो है यहां पे इस तरह का प्रोविजन था, लेकिन फर्दर जो है इसमें अभी रिसेंटली एक अमेंडमेंट आया है, और उस अमेंडमेंट की वजह से ये सारी चीजें चर्चा में आई हुई है कि क्या किसी को कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो नया अमेंडमेंट आया है उस चीज को कंसीडर करें या ना करें। तो मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी जो था वो इंक्रीज हो गया 6,500 से 15,000 तक पर मंथ के लिए। यदि किसी मेंबर का हमें यदि पेंशन कैलकुलेट करना है तो पेंशन कैलकुलेट करने का सिंपली एक प्रोविजन फॉर्मूला दे रखा है जो कि आपके ईपीएफ एक्ट में है, पेंशन स्कीम में है। वो चीज क्या है कि पेंशनेबल सैलरी लेनी है, इनटू पेंशनेबल सर्विस, सर्विस डिवाइडेड बाय 70, और जो अमाउंट आपका आएगा वो आपका मंथली पेंशन होगा। तो ये तो सिंपल सा एक जो है सो फॉर्मूला दिया हुआ है। अब इसमें पेंशनेबल सैलरी क्या होती है, पेंशनेबल सर्विस क्या होता है, इस चीज को हम लेटर समझते हैं, आगे हम देखते हैं। बाकी ये 70 जो है, 70 को आप सभी लोग समझते हैं कि 70 से जो डिवाइड करना है वो तो सिंपल सा दिया हुआ है। तो यहां पे अमेंडमेंट क्या आया, पहले हम उस बात को समझ लेते हैं। अब अमेंडमेंट जो आया हुआ है, जिसके विषय में ये चर्चा है, वो अमेंडमेंट ये आया हुआ है कि आपका जो सैलरी का लिमिट था 6,500 जो कि बढ़ के 15,000 हो गया,
ये जो 15,000 हो गया है, अब इस पे सीलिंग जैसी, ये जो सीलिंग था, सीलिंग था, इस सीलिंग के वर्ड को हटा दिया गया है। जो रिसेंटली अमेंडमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद, वो क्या हो गया है कि इस सीलिंग को हटा दिया गया है। हटा क्या दिया गया है, तो क्या हो गया है, अब मांगते हैं कि सपोज करें कि किसी की सैलरी बेसिक प्लस डीए और फूड कंसेशन रिटेनिंग अलाउंस एक्सेट्रा 1,00,000 है। हो सकती है आज के डेट में बहुत लोगों की सैलरी इतनी होगी, तो इस 1,00,000 का आप सीधा सीधा 8.33% कैलकुलेट करेंगे, जो कि कितना हो जाएगा, 8,330 हो जाएगा। और इसे सिंपली जो है आप पेंशन फंड में डिपॉजिट कर दिया जाएगा, पेंशन फंड में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। तो ये एक अहम बदलाव आया हुआ है। इससे सीधी सी बात है, यदि अपेरेंटली हम देखते हैं, इफ वी चेक इट अपेरेंटली, देन वी विल सी, वी विल अप्रिहेंड दैट वी विल बी बेनिफिशियर, वी विल गेट मोर बेनिफिट। लेकिन बेनिफिट इसमें एक्चुअली में है या नहीं है, ये चीज कैलकुलेशन और टाइम वैल्यू मनी से ही समझ में आएगा। आपको इन्फ्लेशन कंसीडर करना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट रेट अवेलेबल है वो समझना पड़ेगा, क्योंकि पैसे तो आप ही के हैं, अभी आपके ईपीएफ में जमा हो रहा है तब आपको मंथली मिलेगा, बस यही डिफरेंस है। इसके अलावा इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ मनी, हम इसे जब कैलकुलेशन देखेंगे, कंपैरिजन देखेंगे, जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियोस में है, तो तभी आपको ये चीज समझ में आएगा कि ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहां पे ये सीलिंग खत्म कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद, जो कि 2022 के नवंबर में ये आया हुआ है। अब सिंपली ये चीज है कि कौन इसको ऑप्ट करने के लिए अभी ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि चाहे आप पूर्व में अभी तक जैसा चलता आ रहा था उसी में रहे, या आप अपने पूरे जो बेस सैलरी है उस सैलरी से जो टोटल 8.33% बनता है उस चीज को आप अपने पेंशन स्कीम में ले जाए, ये अब आप पे निर्भर करता है। तो ये ऑप्शन का अभी यहां पे एक ऑप्शन दे दिया गया है, सिलेक्शन का ऑप्शन दे दिया गया है। अब सिलेक्शन का ऑप्शन देने तो क्या सभी को दिया गया है, तो फ्रेंड्स ये जो चुनाव है ये सभी के लिए नहीं है अभी। हालांकि ऐसा आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में और जल्दी ही इस पे क्लैरिफिकेशन आएगा और सभी को किया जाएगा, जो भी फिलहाल जॉब में है उन सबको किया जाएगा, क्योंकि ये इस तरह से ये ऑप्शन कुछ ही लोगों को दिया गया है। जो किनको दिया गया है तो वो चीज हम सबसे पहले देखते हैं कि जो भी इंप्लॉय 31 अगस्त 2014 को ईपीएफओ के मेंबर थे, उन लोगों को, और उन्होंने हायर ऑप्शन जो है सो नहीं ऑप्ट किया था अंडर ईपीएस, उनके लिए ये ऑप्शन है कि वो 3 मार्च 2023 तक, ये कहा गया था, जिसको कि अब फिर बढ़ा गया, ये स्टार्टिंग का नोटिफिकेशन था कि 3 मार्च 2023 तक उनके पास ऑप्शन है कि वो इस स्कीम में आ सकते हैं जो अमेंडेड स्कीम है, यानी कि अपने टोटल अपनी सैलरी का पूरा 8.33% अपने ईपीएस में जमा करवा सकते हैं। तो ये एक यहां पे क्लैरिटी दी गई है। यहां पे फिलहाल यही चीज कहा गया है कि जो लोग 31 अगस्त 2014 को इसके मेंबर थे वही लोग इसमें आएंगे, यानी कि उसके बाद जो बने हैं उनके लिए ये चीज नहीं दिया गया है। दूसरी बात क्या कहता है कि पेंशन बेनिफिट, अब इसमें कुछ एलिजिबिलिटी है, तो एक एलिजिबिलिटी, पहला कंडीशन क्या है इस ऑप्शन को ऑप्ट करने के लिए, पहला कंडीशन क्या था कि आप 31 अगस्त 2014 को ईपीएफओ के मेंबर होने चाहिए, पहली बात। व्हाट इज द सेकंड थिंग, नेक्स्ट थिंग इज दैट टू अवेल द पेंशन बेनिफिट अंडर ईपीएस 95, टू अवेल द बेनिफिट अंडर पेंशन ईपीएस 95 एटलीस्ट आपके 10 ईयर का सर्विस होना चाहिए, यानी कि आपने, ऐसा नहीं है कि आप एक चीज देखें कि 10 साल जो है आपकी सर्विस, जो है मिनिमम 10 ईयर ऑफ सर्विस आपकी होनी चाहिए।
एज ऑफ रिटायरमेंट ऑब्वियसली 58, उससे नीचे तो शायद कहीं पे है भी नहीं, ज्यादा ही है एज ऑफ रिटायरमेंट, कहीं पे 60 नॉर्मली तो 60 है, कहीं पे 62 भी है, कहीं पे 65 भी है, व्हाटएवर, हम बात कर रहे हैं कि एज ऑफ रिटायरमेंट 58 होनी चाहिए। विथड्रॉल एट द रिड्यूस रेट फ्रॉम द एज ऑफ 50 ईयर्स, ये चीज हम देखेंगे कि जो पेंशन होते हैं, जो पेंशन के टाइप है उसमें भी हम देखेंगे कि यदि किसी ने जो है सो अपना पेंशन, सॉरी पेंशन फंड से पैसे निकाले हैं तो उनको जो रेट होता है उस रेट पे नहीं मिलते हैं, उन्हें कुछ घटने जो है पर ईयर का 4% के हिसाब से रिड्यूस करके मिलता है। इन केस पीरियड ऑफ कंप्लीटेड ऑफ सर्विस इज लेस देन 10 इयर्स बट मोर देन 6 ईयर मंथ्स, विड्रॉल मे बी डन इफ अनएम्प्लॉयड फॉर मोर देन 2 मंथ्स। तो यहां पे क्या चीज कह रहा है कि यदि किसी ने 10 साल जो है सो नौकरी किया है, नहीं किया है, 10 कब विड्रॉ कर सकता है, ये विड्रॉल के लिए भी जो दिया गया हुआ है कि यदि किसी को विड्रॉ करना है पैसा तो विड्रॉल की एलिजिबिलिटी कब आएगी, तो उसने 10 साल पहले तो कहा गया है कि कम से कम आपको 10 साल तक के लिए जो है यहां पे नौकरी की होनी चाहिए, लेकिन आपने 10 साल की नौकरी नहीं किया है, 10 साल की नौकरी नहीं किया है तो, और 6 महीने की लेकिन नौकरी किया है और लगभग 2 महीने तक कम से कम आपने जो है तो आपके पेंशन फंड में, आपके पीएफ फंड में पैसे नहीं आ रहे हैं, इन दैट केस यू कैन डू द विड्रॉल। यदि कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो उस केस में कर सकते हैं, और इन केस ऑफ डेथ ऑफ ड्यूरिंग सर्विस फैमिली ऑल्सो बिकम बेनिफिट बिकम्स एलिजिबल फॉर पेंशन बेनिफिट्स। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हम करें तो सबसे पहले होते हैं कि ईपीएस 95 के लिए एलिजिबल कौन होगा। ईपीएस 95 के लिए एलिजिबल होने के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी होनी चाहिए, 58 साल का रिटायरमेंट एज होना चाहिए, यदि तभी आप अपना ईपीएस का पैसा निकाल सकते हैं। यदि आपने 10 साल की नौकरी नहीं पूरी की है लेकिन 6 महीने की कम से कम नौकरी पूरी कर ली है, इन दैट केस आपका जो पैसा होगा और आपके पीएफ में, यानी कि आप 2 महीने के लिए कम से कम आप अनएम्प्लॉयड है, यानी कि आपके पेंशन फंड पीएफ फंड में पैसा नहीं आ रहा है, उस केस में आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। 2 चीजें हो गई। तीसरी बात यहां पे क्या कह रहा है कि यदि आप 50 साल से 10 साल आपने पूरी नौकरी कर ली है, 10 साल से नौकरी पूरी कर ली है, 50 साल है आपका, हो चुका है आपका एज, और उस केस में जो है क्या चीज है, यदि आप पेंशन निकालना चाहते हैं 58 साल से पहले तो आपको रिड्यूस रेट ऑफ पेंशन जो है वो मिलेगा। यदि किसी की डिसेबिलिटी हो जाती है तो वो निकाल सकता है, यदि किसी की डेथ हो सकती है तो उसका फैमिली, उसकी फैमिली एलिजिबल होगी उस पैसे को विड्रॉ करने के लिए। और इस ऑप्शन को ऑप्ट करने के लिए, बाकी सारे ये सब चीजें तो होगी ही, बाकी इस ऑप्शन को ऑप्ट करने के लिए क्या होगा कि आपको 31 अगस्त 2014 को ईपीएफओ का मेंबर होना चाहिए, तभी आप इस पैसे, इस ऑप्शन के लिए एलिजिबल होते हैं। अब बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये चीज आपके लिए क्लियर हो गया होगा कि पेंशन को कैसे जो है सो इसके लिए क्या ये ईपीएस 95 क्या चीज है, इसमें जो हमारे 2022 में जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी वजह से क्या चेंजेस आए हैं और इसके लिए कौन कौन एलिजिबल हो सकते हैं, इसलिए अभी जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके हिसाब से क्या चीज है, पेंशन विड्रॉ करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो ये सारी चीजें जो मेरे ख्याल से ये जो बेसिक चीजें हैं ये आपने, आपको क्लियर होगा। तो पेंशन अमाउंट ईपीएफ जो है वो पेंशनेबल सैलरी पर डिपेंड करता है। क्या आपकी पेंशनेबल सैलरी कैसे होगी, हमने फॉर्मूला भी देखा कि जो है सो आपको यदि पेंशन निकाल, पेंशन आपका पर मंथ का निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, वही पेंशनेबल सैलरी प्लस इनटू पेंशनेबल सर्विस डिवाइडेड बाय 70। इसमें आपको एक चीज और बता दूं, यदि आपने 20 साल से ज्यादा नौकरी किया हुआ है, इन दैट केस आपके पेंशनेबल सर्विस में 2 ऐड हो जाएगा, जो एक्चुअल होगा उसमें 2 ऐड हो जाएगा और उस हिसाब से आप उसको कैलकुलेट करके अपना निकाल सकते हैं। अब यहां पे बात आती है क्या कि जो पेंशनेबल सैलरी है, पेंशनेबल मैंने बताया था कि पेंशनेबल सैलरी, तो पेंशनेबल सैलरी होता क्या चीज है, तो पेंशनेबल सैलरी के लिए आपको कुछ नहीं करना है। पेंशनेबल सैलरी जब आपका रिटायरमेंट होता है, यानी कि 58 इयर्स की बात करें, वहां से आप 5 साल पीछे चले जाए, यानी 60 महीने की सैलरी ले लें और उस 60 महीने को, उस 60 महीने की सैलरी को 60 से डिवाइड कर दें, ठीक है, 60 से डिवाइड कर दें, देन इट शैल बी कैलकुलेटेड एज द
एवरेज सैलरी, ये एवरेज सैलरी होगी और यही आपका पेंशनेबल सैलरी माना जाएगा। पहले क्या था कि पहले जो है सो इस अमेंडमेंट से पहले क्या चीज था, तो पहले लिया जाता था 12 महीने का, लेकिन अब इसे 60 मंथ कर दिया गया है। तो 60 मंथ का जो है सो आपका एवरेज जो सैलरी होगा, एवरेज सैलरी का मतलब क्या होगा, एवरेज सैलरी मींस क्या होगा, एवरेज सैलरी का मतलब सपोज करें 60 मंथ है, ऑब्वियसली मिनिमम 5 टाइम्स तो आपके इंक्रीमेंट लगेंगे, 5 टाइम्स इंक्रीमेंट होगा आपका जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है। फिर यूजुअली हम मानते हैं कि क्वार्टरली डीए बढ़ता है, तो 20 टाइम्स मान लेते हैं, कभी कभी तो वैसे नहीं भी बढ़ता है, 20 टाइम्स आपका डीए बढ़ेगा। यदि कोई प्रमोशन की बात आती है तो प्रमोशन वाला जो इंक्रीमेंट होगा वो भी होगा। मींस आपको सारे सैलरी को जो है लेना है, ये आप ऐसा यदि चाहें कि 60 महीने की सैलरी है तो अभी की सैलरी को 60 से सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो नहीं होगा। यहां पे रीजन क्या होता है, एवरेज सैलरी का मतलब इन सारी चीजों को कंसीडर, एक्चुअल में क्या सैलरी बन के आती है उसे कंसीडर किया जाता है कि इंक्रीमेंट के बाद कितनी सैलरी होगी, डीए बढ़ने के बाद क्या सैलरी होगी, प्रमोशन होने के बाद क्या सैलरी, उन सारी सैलरी की वजह से जो एक्चुअल सैलरी होता है उस सैलरी को हम कंसीडर करेंगे, उसे 60 से डिवाइड करेंगे तो वो मंथली एवरेज सैलरी आएगा जो कि पेंशनेबल सैलरी कहलाता है। पेंशनेबल सर्विस के बारे में मैंने आपको बताया, तो पेंशनेबल सैलरी से उसे मल्टीप्लाई करेंगे। यदि 20 ईयर से ज्यादा आपने नौकरी किया है तो इन दैट केस 2 ऐड हो जाएगा उसमें, तो सपोज करते हैं कि आपने 30 साल नौकरी किया है तो वो 32 मान लिया जाएगा पेंशनेबल सर्विस, और डिवाइडेड बाय 70, और उस चीज को आप उसके बेस पे आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये चीज आप हमने देखा कि सैलरी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। पेंशनेबल सैलरी सर्विस मैंने आपको बताया कि सर्विस इज एक्चुअल सर्विस पीरियड ऑफ एन एम्प्लॉयर और मेंबर, द पेंशनेबल सर्विस पीरियड इज कैलकुलेटेड एडिंग ऑल द सर्विसेज। अब इसमें एक चीज होता है कि क्या हम जो करंट सर्विस में है क्या उसी को कंसीडर किया जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपने कहीं भी नौकरी किया है यदि आप पीपीएफओ के मेंबर रहे हैं तो उन सभी पीरियड को कंटिन्यूएशन में, यदि आप पीपीएफओ के मेंबर रहे हैं तो उन सभी पीरियड को कंसीडर किया जाएगा। एवरी टाइम एन एम्प्लॉई स्विचिंग जॉब नीड्स टू सबमिट ईपीएस स्कीम सर्टिफिकेट इश्यू टू हिम, सीधी सी बात है, वो तब हो सकता है जब आप अपना पुराना डिटेल नए एम्प्लॉयर को देते हैं, इन दैट केस ओनली इट कैन बी कंसीडर, अदरवाइज उन्हें तो इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो वो कैसे इसको कंसीडर करेंगे। बोनस जो 2 साल का है मैंने आपको बताया है कि 2 साल का आपको बोनस जो है यहां पे मिलता है। अब बात आती है कि यदि यहां पे पीरियड ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 10 साल है और मेंबर ने अपना ईपीएस कॉर्पस विड्रॉ कर लिया है प्लस दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लिया है तो क्या हो? यहां पे आप ध्यान देखिए, मैंने 3 चीज बताया कि जो मेंबर है उसकी जो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है वो 10 साल से कम है, जो भी पैसा जमा था उसने उन सभी पैसों को विड्रॉ कर लिया है, और तीसरी बात क्या चीज कहता है कि उसने नई कंपनी ज्वाइन किया है, तो इस केस में जब वो नई कंपनी ज्वाइन करता है तो उसका फ्रेश पीरियड स्टार्ट होगा, पिछली सैलरी उसकी काउंट नहीं की जाएगी। कंसिडरेशन ऑफ पेंशनेबल सर्विस में एक चीज ये भी है कि ईयर ऑफ सर्विस की यदि हम बात करें तो ईयर ऑफ सर्विस में जरूरी नहीं है कि आपको पूरे के पूरे 12 महीने ही पूरे होने चाहिए। यदि आपने 8 साल 8 इयर्स 7 मंथ्स काम कर लिया है देन इट शैल बी कंसीडर्ड एज 9 मंथ्स, यानी कि आपने 6 महीने इससे ज्यादा 6 महीने यदि पूरा कर दिया है 6 मंथ बेसिस, तो उस केस में क्या चीज होता है कि आपकी सर्विस अगले साल में कैलकुलेट की जाती है, यानी कि 8 इयर्स 6 मंथ्स भी आपने काम किया है तो इट शैल बी कंसीडर्ड एज 9 इयर्स। तो ये सैलरी का के लिए जो यहां पे दिया हुआ है, तो ये सारी चीजें बेसिक है ईपीएस 95 के बारे में जो मैंने आपको बताया। इसके बाद फिर फर्दर जो इसमें दिए हुए हैं कि फर्दर चीजें कि पेंशन कितने तरह के होते हैं,
इस पेंशन को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इस पेंशन से क्या हमें बेनिफिट होगा, यदि हम पेंशन ऑप्ट नए पेंशन स्कीम को ऑप्ट नहीं करते हैं तो हमें पेंशन कितना मिलेगा और हमारे पीएफ में कितना पैसा रहेगा, यदि हम ऑप्ट करते हैं तो हमें पेंशन कितना मिलेगा और हमारे पीएफ में कितना रहेगा। तो इन सारी चीजों को हमने अलग अलग वीडियो में छोटे छोटे पार्ट में बताया हुआ है, ताकि इसे छोटे छोटे पार्ट में इसलिए किया है ताकि लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझने में आसानी होगी। आइए हम एक बार फिर से इसे रिव्यू कर लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात हमने क्या किया कि ईपीएस 95 क्या है। तो दोस्तों ईपीएस 90 एक गो थ्रू हम हो जा रहे हैं। ईपीएस 95 इज नथिंग, दिस इज ए पेंशन स्कीम व्हिच इज कवर्ड अंडर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। व्हाई दिस इज कॉल्ड 95? बिकॉज दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1995। फर्दर व्हाट हैपेंड, what was the provision of this? This was just like a social security for the employee for the at the age of retirement or for the old age. Because in the old age, one has usually no source of income. So in that case, this amount was being helpful for him. But it was felt further कि ये जो amount है, ये amount उतना beneficial, उतना sufficient नहीं होता है। तो स्टार्टिंग में जब ईपीएस 95 आया हुआ था तो प्रोविजन ये था कि 8.33% जो आपका होगा वो पेंशन फंड में जाएगा, लेकिन उसमें सैलरी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था जो कंसीडर करना है 8.33% के लिए। फॉर इन अर्लियर एट दैट टाइम 6500 वाज कंसीडर्ड एज द सैलरी फॉर द डिपोजिशन ऑफ द अमाउंट इन द पेंशन स्कीम एंड 8.33% ऑफ द 6500 वाज टेकन। बट इन केस if anybody's salary was less than 6500, in that case that actual salary was to be considered. Later on in 2014 this amount was increased and it was taken as 15000. So after 2014 the ceiling was 15000. Further in the year 2022 a case was filed in the Supreme Court and Supreme Court decided on the date 16th November, on that date, in November 2022, and after that it was considered, it was decided that if one wants to deposit the salary, the amount can be considered actual salary, not there will be any ceiling. So, इसके लिए क्या चीज था कि ये एक ऑप्शन इस 2022 के बाद ये खुल गया। शुरुआत में इसके लिए हमें जो ऑप्शन को ऑप्ट करने के लिए टाइम दिया गया था वो 3 मार्च 2023 तक के लिए दिया गया था, लेकिन लेटर ऑन बहुत ही जल्दी इसे फिर से इस टाइम पीरियड को बढ़ा दिया गया है और इसे जो है सो अब आप ऑप्ट करने के लिए पोर्टल जो ईपीएफओ का पोर्टल है उस पोर्टल पे फिलहाल जो है सो अभी नहीं आया हुआ है। ये आगे जो है सो इस पे जो है सो फॉर्म वगैरह भी आ जाएंगे और उसके थ्रू आप ऑनलाइन भी कर पाएंगे यदि आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो। इसमें आपको एम्प्लॉयर के लिए और किसी से भी जो पूछने की जरूरत किसी की नहीं पड़ेगी। तो ये था। अब इसके लिए एलिजिबल कौन होंगे? तो एलिजिबल वो होंगे जो अगस्त 2014 में ईपीएफओ के मेंबर रहे होंगे, उन्हीं को के लिए ये ऑप्शन ऑप्ट करने की एलिजिबिलिटी है। क्या इसमें रिटायर्ड लोग एलिजिबल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या इसमें आज किसी ने ज्वाइन किया हो तो वो हो सकते हैं? जी नहीं, आज के हिसाब से ईपीएफओ पे ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। अभी जो ईपीएफओ ने अपना प्रोविजन ने जो अपना नोटिफिकेशन इशू किया है उसके हिसाब से अगस्त 2014 तक जो लोग मेंबर होंगे उसी वही लोग उससे या उससे पहले के जो मेंबर होंगे वही लोग इसके ऑप्शन को ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल होंगे। फर्दर इसमें क्या चीज हमने डिस्कस किया था कि एम्प्लॉयर की इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपका पैसा डिपॉजिट करता है। फर्दर हमने ये चीज ये देखा था कि ईपीएस 95 के लिए अब एलिजिबल कौन होते हैं, तो उसके लिए पहले एक कंडीशन क्या चीज था कि कम से कम आपके 10 साल की नौकरी पूरी हुई होनी चाहिए। 10 साल की नौकरी यदि आपकी नहीं पूरी होती है तो भी आप होंगे, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन क्या है कि कम से कम आपके 6 महीने की नौकरी पूरी होनी चाहिए और 2 महीने तक आपके ईपीएफओ में कोई भी पैसा या ईपीएस में कोई भी पैसा आपके डिपॉजिट नहीं हुआ होना चाहिए। यदि किसी मेंबर की डिसेबिलिटी आ जाती है, वो परमानेंट डिसेबिलिटी हो, टोटल डिसेबिलिटी हो, इन दैट केस ही कैन विदड्रॉ डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज ईयर इन द सर्विस फॉर 10 इयर्स।
तीसरा है क्या, यदि किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली जो है वो इसके लिए एलिजिबल होंगे कि वो उस पैसा को विड्रॉ कर सकते हैं। पेंशन को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो पेंशन को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि दो तीन चीजें देखनी होगी कि सबसे पहले जो है सो आपको एवरेज मंथली सैलरी पेंशनेबल सैलरी लेना होगा। एवरेज मंथली सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे, पेंशनेबल सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे, पीछे आप 5 साल का जाएंगे और 60 मंथ का एवरेज सैलरी लेंगे, दैट शैल बी योर पेंशनेबल सैलरी इंटू पेंशनेबल सर्विस, यानी कि जितने ईयर नंबर ऑफ ईयर आपने जो सर्विस किया है वो आपके पेंशनेबल सर्विस माना जाएगा। इन केस यू हैव कंप्लीटेड 20 इयर्स ऑफ सर्विस सो यू विल गेट ऑल्सो 2 इयर्स ऑफ बोनस, इट मीन्स दैट पेंशनेबल सर्विस पेंशनेबल सैलरी इंटू पेंशनेबल सर्विस विद इन ब्रैकेट प्लस 2 इफ 20 इयर्स हैव बीन कंप्लीटेड, अदरवाइज एक्चुअल नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस डिवाइडेड बाई 70। तो जो अमाउंट होगा उस अमाउंट को आप यहां पे इससे अपना मंथली पेंशन जो है सो निकाल सकते हैं। तो ये फर्दर ये आपको मैंने फॉर्मूला जो है सो बता दिया। उसके बाद जाके पेंशनेबल सर्विस क्या होता है, तो पेंशनेबल सर्विस के लिए बताया कि जो है सो कैसे आप निकालेंगे। पेंशनेबल सर्विस में जो है सो सिंपल सी बात क्या चीज है कि जो एक्चुअल सर्विस पीरियड होगा उसे लेते हैं। दूसरी बात क्या चीज कहते हैं कि आपने जितनी जगहों पे काम किया हुआ है उस सबको कंसीडर किया जाएगा, लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना होगा कि यदि कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 10 साल से कम है, मेंबर ने अपना सारा ईपीएस कॉर्पस निकाल लिया है और दूसरी कंपनी ज्वाइन किया है, तो उस केस में उसका फ्रेश पीरियड स्टार्ट माना जाएगा। पेंशनेबल सर्विस की बात यदि करें तो इसमें आपको कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस तो हर जगह पे लिखा हुआ है, लेकिन 6 मंथ एंड अबव जो होगा बट लेस देन 12 मंथ होगा तो उसे हम नेक्स्ट 1 ईयर कंसिडर कर लेते हैं। यानी कोई यदि सपोज जो 5 ईयर एंड 6 मंथ या 7 मंथ है, देन इट शैल बी कंसिडर्ड एट 6 इयर्स। सो दिस इज अबाउट द बेसिक अबाउट द ईपीएस 95 एंड आई होप दैट द बेसिक प्रोविजंस ऑफ ईपीएस 95 मस्ट बी क्लियर टू यू। इन केस एनी ऑफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट अस ऑन आवर यूट्यूब चैनल इन कमेंट सेक्शन। आवर यूट्यूब चैनल इज कॉर्पोरेट कॉन्सेप्ट क्लासेस एंड ईमेल आईडी इज CCC, that is corporate concept classes .pkja@gmail.com, and you are all requested to like and subscribe the channel for further videos. Thank you.